हे फ्रेंड्स आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल आज हम इस वीडियो में पॉलिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने वाले हैं सो so, पॉलिनेशन क्या होता है उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक टिपिकल फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं यहाँ पर एक बाई फ्लावर शो किया गया है अब बाई का मतलब क्या होता है एक ऐसा फ्लावर जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब कि स्टेमन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब पिस्टल या फिर कार्पल दोनों एक ही फ्लावर में जब प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाई सेक्शुअल फ्लार यहाँ पर ये जो पिंक वाला पोर्शन है ये पिंक पोर्शन इसको हम लोग बोलते हैं पेटल उसके नीचे ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है लीफ टाइप का उसको हम लोग बोलते हैं सेपल ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथर इसी एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है एंथर के नीचे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट एंथर और फिलामेंट को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे स्टेमन स्टेमन जो है वही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओके स्टेमन क्या हो गया अब एक सिंगुलर टर्म हो गया लेकिन जब फ्लावर में जितने भी स्टेमन प्रेजेंट है उन सबको एक साथ डिनोट करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमन को हम लोग एंड्रोशियम बोलेंगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर ये यह जो ब्लू वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं स्टिग्मा उसके बाद स्टिग्मा के नीचे ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूलर पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टाइल और स्टाइल के नीचे ये जो ओवल शेप का पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी इन तीनों को एक साथ बोलते हैं पिस्टिल पिस्टिल को हम लोग दूसरे वर्ड्स में कारपेल भी बोलते हैं अब ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है और ओवियल जो है वो सीड में डेवलप हो जाता है नाउ ये जो पिस्टल है यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है अब ग्रुप ऑफ पिस्टल को हम लोग क्या बोलेंगे गाइनोशियम मतलब एक फ्लार में जितने भी पिस्टल प्रेजेंट होंगे उन सबको एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे गाइनोशियम अब ये जो ओवरी है जिस पार्ट पे ये रेस्ट करता है या जहाँ जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टेकल नाउ मूविंग ऑन टू पॉलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर जो ये पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में तो इसको क्या बोलेंगे हम पोलिनेशन अब पोलन ग्रेन जो है वो तो इमोबाइल होता है मतलब खुद से तो मूव नहीं कर सकता है तो उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है जैसे कि विंड वाटर एनिमल इन सब चीज़ों से ही ट्रांसफ़र हो सकता है पोलन ग्रेन सो अब पोलिनेशन जो है वो दो टाइप्स का होता है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन अब सेल्फ पोलिनेशन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑटोगी और गिटनोगी तो इसको हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में सो so, अब सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ इधर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर ठीक है तो इसमें अब जैसे डायग्राम में दिखा रहा है कि पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ से या तो अपने ही फ्लावर से जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा या तो ऐसे दूसरे प्लांट से पर वो जेनेटिकली सिमिलर हो उससे ठीक है या तो उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर या दूसरा प्लांट का फ्लावर पर वो जेनेटिकली उस प्लांट से बिल्कुल भी सिमिलर हो उससे जब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होगा स्टिग्मा में तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन अब सेल्फ पोलिनेशन जो है वो दो टाइप्स का होता है ऑटोगैमी और गेटनोगी यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है कि ये जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा में उसी फ्लावर का तो ये हो गया सेल्फ पोलिनेशन अब ऑटोगैमी क्या होता है अब ऑटोगैमी तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज़ नोन एज ऑटोगैमी तो ऑटोगी का मतलब क्या हो गया कि जब भी सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑटोगैमी अब ऑटोगैमी जो है वो दो मेथड से होता है होमोगैमी और क्लिस्टोगी होमोगैमी का क्या मतलब होता है कि जब एंथर और स्टिग्मा दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर होंगे तो उसको होमोगैमी बोलेंगे मतलब कि जिस टाइम पे स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा मतलब जिस टाइम पे स्टिग्मा ओपन होगा और पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए केपेबल होगा और उसी टाइम पे एंथर जो है वो बस्ट होगा और पोलन ग्रेन को शेड करेगा या उसी टाइम पोलन ग्रेन उसमें से झड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे होमोगैमी और ऐसी ही कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है ठीक है तो दूसरा है क्लिस्टोगैमी क्लिस्टोगैमी में फ्लावर्स जो है वो क्लोज्ड कंडीशन में होते हैं मतलब वो बंद होते हैं ठीक है और वो तब तक नहीं खोलते जब तक उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो जाए ठीक है तो क्लिस्टोगैमी में एंथर जो है वो बस्ट करेगा और उसके बाद वो स्टिग्मा में झड़ेगा स्टाइल का जो लेंथ है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा जिसके वजह से वो पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में आएगा स्टिग्मा और फिर उसमें पोलन ग्रेन शेड होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा और इस टाइप के पोलिनेशन में सीड सेट जो रहता है वो एश्योर्ड रहता है ठीक है और इसमें पोलिनेटर्स की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है क्योंकि वो फ्लावर के अंदर ही हो जाता है ओके नेक्स्ट ड्राइग्राम में शो किया गया है सेल्फ पोलिनेशन जैसे देखिए अब ये पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर है तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलेंगे ऑटोगैमी और ये जो दूसरा कंडीशन है जिसमें फ्लावर जो है वो सेम प्लांट से ही है पर जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है वो दूसरे फ्लावर से हो रहा है दूसरे फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में तो इसको हम लोग गिटनोगी बोलते हैं ओके और जब दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में तो उसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे ये देखिए गिटनोगी इट इज ए टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बिलोंगिंग टू ईदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट मतलब कि इसमें जो पॉलिनेशन होगा उसमें जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा या तो वो सेम प्लांट का रहेगा पर अगर वो दूसरे प्लांट का है तो वो जेनेटिकली सिमिलर होगा ठीक है फिर आ गया क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जेनोगी और एलोगी भी बोलते हैं ठीक है क्रॉस पोलिनेशन इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर ठीक है तो क्रॉस पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा में वो दूसरे प्लांट के फ्लावर में होगा और वो जेनेटिकली डिफरेंट होगा ठीक है और क्रॉस पॉलिनेशन जो है अब तो वो दूसरे फ्लावर प्लांट के फ्लावर में हो रहा है तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए एक्सटर्नल एजेंट चाहिए इसमें हम लोग पॉलीनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है जो भी एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि विंड हो गया वाटर हो गया एनिमल हो गया बर्ड्स हो गया कुछ भी हो इसको हम लोग एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं इसी को पॉलीनेटर्स बोलते हैं ओके क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे जो किया गया है यहाँ एंथर से स्टिग्मा में जा रहा है अलग अलग प्लांट में जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर है मान लेते हैं इसको और यहाँ पे भी एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जा रहा है तो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमको पॉलिनेटर्स चाहिए ठीक है तो पॉलिनेटर्स को या ये एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन भी बोलते हैं तो ये दो टाइप्स का होता है ए बायोटिक एजेंसीज एंड बायोटिक एजेंसीज ए बायोटिक मतलब क्या होता है नॉन लिविंग एंड बायोटिक मतलब होता है लिविंग तो नॉन लिविंग में क्या क्या आ गया विंड एंड वाटर ए फिर बायोटिक मतलब हो गया लिविंग लिविंग में आ गया इंसेक्ट बर्ड बैट स्नेल एंड स्नेक्स इन सबसे जो भी पॉलिनेशन होगा वो सारे बायोटिक एजेंसीज में आ जाएंगे एनिमोफिली एनिमोफिली मतलब एक ऐसा मोड है क्रॉस पोलिनेशन का जिसमें जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा ना वो विंड के थ्रू होगा मतलब जब विंड से हवा से फैलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एनिमोफिली एनिमोफिली होता है कोकोनट में कैशियोनट में इन सब चीज़ों में एनिमोफिली होता है अब ये किस किन 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 फ्लावर्स में हो सकता है तो ऐसे फ्लावर्स जो कि कलरलेस हो ओडरलेस हो नेक्टरलेस हो कलरलेस होगा ऑर्डरलेस होगा ऑर्डरलेस मतलब किसी भी टाइप का उससे स्मेल नहीं आएगा किसी भी टाइप की खुशबू नहीं होगी उसमें नेक्टरलेस मतलब स्टिग्मा पर एक चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं नेक्टर तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा ठीक है फिर पोलन ग्रेन जो होगा वो लाइट वेट होना चाहिए लाइट होगा तभी तो वो हवा से ट्रैवल कर सकता है अगर हैवी होगा तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा स्मॉल होगा विंगड और डस्टी होगा नॉन स्टिकी होगा और अनवेटेबल होगा अगर वो नॉन स्टिकी नहीं होगा तो फिर वो किसी भी सरफेस पर चिपक जाएगा तो फिर पोलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है फिर स्टिग्मा जो है वो हेरी होना चाहिए जिससे वो ईज़िली ट्रैवल कर सके और इस टाइप के पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो बहुत सारे नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफिली तो हाइड्रोफिली एक ऐसा मोड है पोलिनेशन का जिसमें पोलन ग्रेन जो है वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होता है ठीक है ये एग्जाम्पल है इसका जूसटेरा और वेलिसनेरिया तो इसके लिए जो फ्लावर्स होंगे वो छोटे छोटे होते हैं इसमें इसमें भी नेक्टर और ओडर प्रेजेंट नहीं होता है वो एब्सेंट होता है पोलेंग्रीन लाइट होना चाहिए और अनवेटेबल होना चाहिए क्योंकि वो वाटर से ट्रैवल कर रहे हैं अगर वो वेट हो जाएंगे, तो फिर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे फिर स्टिग्मा जो है इसमें लॉन्ग होना चाहिए स्टिकी होना चाहिए बट अनवेटेबल होना चाहिए स्टिग्मा लॉन्ग रहेगा तभी वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सकता है और स्टिकी रहेगा तभी उसमें पोलन ग्रेन चिपकेगा ठीक है अब हाइड्रोफिली जो है वो भी टू टाइप्स का होता है मतलब एफी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली एफी हाइड्रोफिली में क्या होता है कि जो मेल प्लांट है वो फ्लाव वाटर सरफेस के नीचे होता है और जो फीमेल प्लांट है वो वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा तो मेल प्लांट से जो भी पोलन रिलीज होगा वो ट्रैवल करके पानी से तैर करके ऊपर आ के स्टिग्मा में आ, ट्रांसफर होगा ठीक है फिर हाइपोहाइड्रोफिली जो है उसमें मेल और फीमेल प्लांट दोनों जो है वो फ्लाव वाटर सरफेस के नीचे भी प्रेजेंट होता है और एपीहाइड्रोफिली जो है वो वेलिस नेरिया में देखा गया है और हाइपोहाइड्रोफिली जो है वो थैलेसिया में होता है फिर नेक्स्ट वन इज एंटोमोफिली तो एंटोमोफिली जो है ऐसा इसमें पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र होता है थ्रू दी एजेंसी ऑफ इंसेक्ट जैसे कि मौत बटरफ्लाई वास बीज हनी बीज बीटल्स एक्सेट्रा तो इसमें जो है इंसेक्ट के थ्रू होगा पोलिनेशन तो एंटोमोफिली हो गया तो अब इसके लिए क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए तो जो फ्लावर है वो शोई और ब्राइट कलर का होना चाहिए ब्राइट कलर का होगा तभी वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा इसमें पोलन ग्रेन जो होता है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए और वो सराउंडेड रहता है ऑयली स्टिकी चिपचिपा सब्सटेंस है जिसको पोलन किट भी बोलते हैं ओके कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को एग ले करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं ठीक है एग्जांपल है यूका तो जैसे एग ले करने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं तो जब वो एग ले के लिए उस फ्लावर पे जाते हैं तो वहाँ पर उस फ्लावर का पोलन ग्रेन जो रहता है उनके बॉडी में स्टिक हो जाता है और जब वो दूसरे फ्लावर में जब जा कर के बैठते हैं तो फिर वो वहाँ पर स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाता है जैसे कि यहाँ डाइग्राम में शो किया गया है कि, कि जो हनी भी है वो फ्लावर में नेक्टर के लिए विजिट करती है तो वहाँ पे जब जाकर के बैठती है तो पोलन ग्रेन जो है उसके पैरों में स्टिक हो जाता है फिर वो जब दूसरे फ्लावर में जाती है तो वहाँ पे जब बैठती है तो वो स्टिग्मा में जड़ जाता है तो उससे पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग एंटोमोफिली भी बोलते हैं अब हो गया और फिली और फिली में जो भी पोलिनेटिंग एजेंट है वो बर्ड्स होंगे इट इज़ दी मोड ऑफ एलोगी परफॉर्म्ड बाय बर्ड्स और इसके लिए कुछ ही टाइप्स के जो बर्ड होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं इसके लिए और ऐसे बर्ड्स जो होते हैं उसके जो बीक्स होते हैं उनके जो चोंच होते हैं वो छोटे होते हैं पर लंबे होते हैं तो अब ऑर्निथोफेलो के लिए औरथोफिले के लिए कैसे फ्लावर्स होने चाहिए तो फ्लावर्स जो है यूजुअली ब्राइट कलर के होने चाहिए रेड ऑरेंज येलो और ब्लू जिससे कि बर्ड्स जो है वो उससे अट्रैक्ट हों फिर फ्लोरल पार्ट्स जो होता है वो थोड़ा लेदरी होना चाहिए मतलब लेदर के टेक्स्चर का होगा और जो ऑर्नीथोफिल्स फ्लावर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नेक्टर और वॉटरी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है जिससे कि बर्ड वहाँ अट्रैक्ट होते हैं फिर हो गया फैक्टर्स प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होता है या जिसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फर्स्ट वन इज डाइकोगी एंथर एंड स्टिग्मा मेच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इन अ बाई सेक्शुअल फ्लावर सो एज टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि फ्लावर तो बाई होगा पर उसमें जो एंथर और स्टिग्मा है वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे जिसके वजह से उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो उसमें एक ही चीज़ बचा है अब क्रॉस पोलिनेशन होगा ठीक है तो अब डाइकोगैमी जो है वो भी दो टाइप का होता है प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी तो प्रोटेंड्री में क्या होता है प्रो मतलब पहले एंड्री एंड्रोशियम के लिए यूज़ किया गया है तो प्रो मतलब पहले तो एंथर जो है वो स्टिग्मा से पहले मच्योर हो जाएगा तो इसके वजह से क्रॉस पॉलिनेशन होगा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा ये इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर और सेल्विया प्रोटोगाइनी प्रोटोगाइनी में क्या होता है स्टिग्मा जो है अपने फ्लावर के जो एंथर से पहले ही मच्योर हो जाएगा तो स्टिग्मा पहले ही पॉलिनेट हो जाएगा दूसरे फ्लावर के एंथर से ठीक है तो ये इसका एग्जाम्पल होता है फोर ओ क्लॉक फ्लावर जिसको मेरा जलापा बोलते हैं ग्लोरियोसा और प्लान जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है ये प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल है ये फर्स्ट डे फ्लावर है फर्स्ट डे फ्लावर तो इसमें जो एंथर है वो पोलन ग्रेन अब शेड कर रहा है पोलन एंथर जो है मेच्योर हो गया मेच्योर होने के बाद वो पोलन ग्रेन शेड करेगा बर्स्ट हो गए पर स्टिग्मा जो है अभी भी क्लोज्ड है ठीक है तो इसमें एंथर पहले और हो गया स्टिग्मा और हुआ ही नहीं तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा फिर ये सेकेंड डे फ्लावर है अभी ये स्टिग्मा और हो गया है स्टिग्मा ओपन हो गया है दिख रहा है इसमें स्टिग्मा ओपन पर एंथर जो है वो पहले ही बर्स्ट हो चुका है पोलन ग्रीन शेड हो चुका है तो अब इसमें क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन नेक्स्ट फैक्टर है हरकोगैमी हरकोगैमी जो है मकैनिकल या स्ट्रक्चरल बैरियर होता है इन सम फ्लावर्स द पोलन ऑफ अ फ्लावर कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें जो पोलन होता है वो उसके स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाता है वो कैसे होता है या तो स्टिग्मा के ऊपर कुछ छोटा सा कवरिंग जैसा होगा जिसके वजह से वो पोलन जो है स्टिग्मा पर नहीं पहुंच पाता है इसका कॉमन एग्जांपल है पेंसी फ्लावर या आयरस में इसमें हुड जैसा कवरिंग होता है स्टिग्मा पे जो कि मैकेनिकल बैरियर का काम कर रहा है फिर नेक्स्ट है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंडीशन तो फेवरेबल रहेगा पर जो मेल फ्लावर जो है वो फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा सेम प्लांट के या सेम स्पीशीज़ के मतलब सब कुछ फेवरेबल कंडीशन है उस टाइम फीमेल फ्लावर जो है वो भी रिसेप्टिव है मेल फ्लावर जो है वो भी पोलन रेन शेड कर सकता है पर फिर भी उस टाइम जो मेल फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा तो उसको क्या बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट फैक्टर है हेट्रोस्टाइलिंग हेट्रोस्टाइली का मतलब क्या होता है हेटरो मतलब होता है डिफरेंट फिर स्टाइल तो इसमें क्या होगा जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो स्टाइल का जो लेंथ होगा वो अलग अलग होगा स्टेमन के रिलेशन में मतलब सेम लेंथ का नहीं हो पाएगा तो अगर वो सेम लेंथ का नहीं होगा तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा उसमें क्या होगा क्रॉस पोलिनेशन होगा इसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं डाई और ट्राई स्टाइली डाई स्टाइली में भी दो टाइप्स होते हैं पेन टाइप एंड थ्रम टाइप पेन टाइप में क्या होता है जो स्टाइल है वो स्टेमन से लंबा होगा इसका एग्जाम्पल क्या है पोम ग्रैनेट एंड सपोटा नेक्स्ट वन इज थ्रम टाइप थ्रम टाइप में जो स्टेमन होगा वो स्टाइल से लंबा होगा एग्जाम्पल है एलमंड्राई स्टाइली में तीन टाइप होता है लॉन्ग स्टाइल मीडियम स्टाइल शॉर्ट स्टाइल अब स्टाइल लॉन्ग रहेगा तो स्टेमन कैसा होगा मीडियम या शॉर्ट होगा मीडियम स्टाइल रहेगा तो स्टाइल जो है वो मीडियम लेंथ का होगा तो उसमें स्टेमन कैसा होगा लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा और जब शॉर्ट स्टाइल होगा स्टाइल जो है वो शॉर्ट होगा छोटा होगा एकदम तो उसमें जो स्टेमन है वो या तो लॉन्ग होगा या मीडियम होगा अब इसको डायग्राम से समझते हैं हेट्रो स्टाइली मेदाई स्टाइली तो इसमें देखिए लॉन्ग स्टाइल इसमें जो स्टाइल है वो लंबा है तो स्टेमन जो है वो छोटा होगा और फिर है शॉर्ट स्टाइल तो स्टाइल जो है वो शॉर्ट है तो इसमें स्टेमन कैसा है लॉन्ग है तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन कैसे हो पाएगा इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा फिर नेक्स्ट है ट्राई स्टाइली ट्राई स्टाइली में ये शॉर्ट स्टाइल है अब स्टाइल शॉर्ट है तो स्टेमन जो है वो मीडियम है और लॉन्ग है अब स्टाइल मीडियम लेंथ का है ठीक है मीडियम लेंथ का है तो स्टेमन जो है शॉर्ट है वो लॉन्ग है इस साइज का तो स्टेमन है ही नहीं तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कैसे पॉसिबल है तो क्या होगा क्रॉस पॉलिनेशन फिर थर्ड वाले में स्टाइल जो है वो लॉन्ग है तो स्टेमन शॉर्ट है और मीडियम है तो इसके वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा अब इसी लेंथ का जो स्टाइल होगा स्टिग्मा होगा इसके वजह से पॉलिनेशन हो सकता है तो इन सारे फैक्टर्स के वजह से ही क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो आज हम लोगों ने पॉलिनेशन और पॉलीनेटर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक like करें और ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी